ମୋଦିଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସ୍ଥଗିତ। ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସୀମା ଟପିଲା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଚଳାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ସରକାରୀ ଦଳର ସମାଲୋଚନା। ସୋମବାର ଆଦାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଦୀପ ଧନଖର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ଦିନ 11ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସଂସଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରୁ ବିରୋଧୀ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ଆଦାନୀ ହିନ୍ଡେନବର୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ରଜନୀ ପାଟିଲଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାଂସଦଙ୍କ ଭାଷଣର ଅଂଶ କଟାଯିବା ନେଇ ହୋ ହଲ୍ଲା କରି ଗୃହ ଚଳାଇ ଦେଇନଥିଲେ ବିରୋଧୀ। तो मेरा एक विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि एक महिला सदस्य, भद्र महिला, बहुत अच्छी महिला है सब, उन्होंने आप निलंबन हो गया तो पुनर्विचार का अधिकार आपको है। और सुनिए, आपको तो अधिकार है कि आप नेता सदन को बाहर निकाल सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं सर, आपका असीमित अधिकार। तो विनम्रता पूर्वक है कि विचार कर ले। और दूसरा सर, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट होने से आप ही बचा सकते हो, जेपीसी कोई दूसरा नहीं बचा सकता। आप में ही ताकत है बचाने की। आप एक बार जेपीसी कर दीजिए सर, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। राज्यसभा अध्यक्ष धनखड़े विरोधी माने एपरी बारंबार विश्रृंखला सृष्टि करबा नै असंतोष प्रकाश करबा सहित सेमान को तागिद करथिले। विरोधी जाणिछुणी एपरी करछन्ति। गृह कार्य बाधा देवा विरोधी उद्देश्य रही टार्गेट करी केंद्र मंत्री पीयूष गोयल। विपक्ष के मंशा है कि जो सदन चर्चा के लिए, डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग के लिए बनाया गया है, शायद वो उस पे ना चलने देने का निर्णय लेके ही रोज सदन में आते हैं। जिन माननीय सदस्यों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना रिप्लाई नहीं देने दिया महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर, उनको माफी मांगनी चाहिए और फिर वो प्रस्ताव ले आए। तो सर, मुझे पूरा विश्वास है कि सदन अपने विवेक से उस पर निर्णय लेगा। प्रथम पर्यायर बजेट अधिवेशन सोमवार शेष होता बेले मार्च 13 अर्थात एक मास पर आरंभ हेब द्वितीय पर्यायर अधिवेशन। मोदी सरकार को द्वितीय पाली रहा है शेष बजेट अधिवेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।